भारत में 70 साल के बाद चीता फिर से लौट के आ रहा है। एक समय पे भारत में हजारों लाखों चीता हुआ करते थे, लेकिन 1952 में हमारे भारत के आखिरी जो चीता थे उनको शॉर्ट डेड कर दिया गया। और उसके बाद भारत में लगातार कोशिश की गई कि चीता को भारत के अंदर आपको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। भारत का आखिरी जो चीता था उसको 1947 में कोरिया के जो राजा थे महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने उन चीतों को यहाँ पर आपको मार दिया था। और उसका रीजन बताया जाता है कि उनको ग्रामीण लोगों ने शिकायत की कि एक कोई जंगली जानवर वहां पे घुस गया है जो काफी नुकसान कर रहा है फसलों का या जानवरों को आपको मार रहा है। तो इसके लिए स्पेशली राजा वहां पे गए और 3 चीता को उन्होंने डेड कर दिया। और बोला जाता है कि जो 3 चीता हैं ये भारत के 3 आखिरी चीता हैं। उसके बाद कुछ चीता भारत में देखे गए, लेकिन 1952 में भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि चीता भारत से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। चीता को अगर देखा जाए तो चीता एशियन स्पीशीज के अंदर यहाँ पर आपको आता है। भारत के अलावा नामीबिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में अभी भी चीता यहाँ पर आपको मिलता है। और उसी के साथ में भारत के अंदर चीता को फिर से लाने की जो कवायद है वो कवायद यहाँ पर आपको शुरू की गई। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज है, टाइगर, लेपर्ड, जैगवार, इन सब के अंदर बेसिक अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइगर के बारे में। टाइगर जिसको हम लोग बाघ के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे भारत का नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है भारत का। और ये जनरली आपको NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उनके द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको बहुत ईजिली देख सकते हैं, इसके चेहरे पे लंबे लंबे, इसके पूरे बॉडी के ऊपर लंबे लंबे स्पॉट्स, काली काली धारियां यहाँ पर आपको होती है। You can easily identify the tiger. अगर हम लोग लायन की बात करें, लायन जिसको हम लोग सिंह या शेर भी कहते हैं, और ये मिलता है गिर के जंगलों में। भारत में सिर्फ गिर के जंगलों के अंदर शेर मिलता है या सिंह मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो इसे मिलना हो तो आपको गिर के नेशनल पार्क में जाना पड़ेगा। और स्पेशली इसके चेहरे के ऊपर कई सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, चेहरों पर बहुत ज्यादा स्पॉट्स नहीं होते, फिर भी इसका जो फीमेल होता है उसमें चेहरे पर इस प्रकार के बाल जो है वो फीमेल के अंदर भी नहीं होते। तो लेपर्ड, जैगुआर और चीता ये लगभग लगभग तीनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सबसे पहले जगवार की लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड की बॉडी पे ऐसे फूल जैसे कुछ स्पॉट्स आपको होते हैं, आपको दिख रहा है फूल जैसा स्पॉट इसकी बॉडी पे दिखाई दे रहा है। इसकी पूंछ थोड़ी सी लंबी होती है लेपर्ड की। उसके बाद जो लेपर्ड है, लेपर्ड के बाद जो जगवार होता है, तो जगवार भी लगभग लगभग चीते जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो जगवार होता है तो जगवार का चेहरा थोड़ा सा ज्यादा गोल होता है और इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, जबकि चीता जो है उसके ऊपर थोड़े बड़े स्पॉट होते हैं और साथ ही उसका जो चेहरा है, चेहरा थोड़ा सा यहाँ पर आपको लंबा होता है। तो ये अंतर देख सकते हैं चीता, लेपर्ड और जगवार के अंदर। चीता के अंदर थोड़े छोटे बड़े स्पॉट और गोल स्पॉट्स होते हैं, लेपर्ड के अंदर फूल के आकार जैसे स्पॉट होते हैं, और जगवार के अंदर भी लगभग शेर के पंजों के निशान जैसे आपको निशान होते हैं। तो आई थिंक इन सब के बीच में जो बेसिक अंतर है वो बेसिक अंतर आप लोग यहाँ पर आपको समझ चुके होंगे। अब इनकी स्पीड के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी स्पीड है। सबसे पहले हम बात करते हैं चीता की, तो चीता की जो स्पीड होती है वो तकरीबन 120 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि लायन की जो स्पीड है वो तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर, और जगवार जो है तकरीबन लगभग 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइगर की जो स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर होती है। इसका मतलब चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। और चीता को अगर हम देखा जाए तो चीता जनरली खुले जंगलों में आपको मिलता है, क्योंकि उसको अगर शिकार करना है तो उसको ओपन जंगल यहाँ पे चाहिए, ओपन फॉरेस्ट चाहिए। तो चीता जनरली ओपन फॉरेस्ट के अंदर आपको मिलता है, जहाँ पर वो तेज दौड़ लगा के अपने शिकार को यहाँ पर आपको उसका शिकार यहाँ पर आपको कर सके। अब अगर इनकी हिस्ट्री की हम लोग बात करें कि भारत के अंदर चीता किस प्रकार से मिलते थे, तो अकबर के समय पर ऐसा कहा जाता है कि 10,000 से ज़्यादा जो चीता हैं वो अकबर के जू में हुआ करते थे। जहांगीर ने अपनी कई सारी बुक्स के अंदर इसके बारे में डिफाइन किया है, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं। जहांगीर ने तो जो कि जहांगीरी के अंदर बताया है कि अकबर के दरबार में, अकबर के जू में 10,000 से ज्यादा चीता हुआ करते थे, और उस समय पे चीता को पाला जाता था। 1,000 चीता जो है अकबर ने खुद ने पाल रखे थे, उसके पालतू चीता हुआ करते थे। अब चीतों को पालतू बनाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो काफी स्लो हो गई। जैसे हम कुत्तों को पालते थे लोग, उसी प्रकार से उस समय पे चीतों को यहाँ पे पाला करते थे, लेकिन उसके कारण उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको कमज़ोर हो गई। उसके बाद ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी वही चलन यहाँ पे चला चीतों को पालने के लिए, क्योंकि चीता लगभग लगभग शेर जैसा दिखता था और उसको पालना एक तरीके से एक सम्मान की बात मानी जाती थी। ये 1858 का फोटो है जहाँ पर बड़े लेवल पर चीताओं को पाला गया, कुत्तों की तरह इनके गले में बेल्ट लगाए जाते थे और बेल्ट लगा के इनको पाला जाता था। उसी के साथ जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उन्होंने भी एक चीता का जो शिकार है, एक चीता का शिकार किया और उसको
बेल्ट लगा के अपने साथ यहाँ पर आपको ले गए। तो इस प्रकार से भारत के राजा रजवाड़ों ने बड़े लेवल पे चीताओं का शिकार किया। और आखिरी जो तीन चीता, जैसे मैंने आपको बताया कि रामानुज प्रताप सिंह जो है देव हैं आपके कोरिया के, उन्होंने 1947 में उनका शिकार कर दिया था। अब क्या भारत में पहली बार अभी चीताओं को वापस लाने की कोशिश की गई है? नहीं, इसके पहले भी 1970 में भारत के अंदर चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की या रिहैबिटेट करने की कोशिश की गई, लेकिन 1970 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसके कुछ समय बाद भारत में आपका इमरजेंसी लग गई। ईरान से हमने लाने की कोशिश की थी, ईरान के अंदर भी शाह का कू हो गया, उसका तख्ता पलट हो गया, तो ईरान से लाने की संभावना लगभग आपको खत्म हो गई। फिर कुछ समय बाद ईरान के अंदर भी चीता लगभग लगभग विलुप्त कगार पर पहुंच गए, तो वहां से लाने का पूरा जो जो कोशिश थी वो कोशिश यहाँ पर आपको खत्म हो गई। उसके बाद 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में फिर से कोशिश की गई कि अफ्रीका से चीतों को यहाँ पर आपको वापस लाया जाए, लेकिन उस समय कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट, कई सारे जो पर्यावरणविद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अंदर चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की जो परमिशन है वो देने से आपको मना कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि चीता जो है एक फॉरेन स्पीशीज है और भारत में आके भारत के एनवायरमेंट के साथ में वो आपका को नहीं कर पाएगा, एनवायरमेंट के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर ये मुद्दा जाता है IUCN के पास में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उन्होंने स्टडी करके बताया कि चीता जो है एशियाटिक प्रजाति है, तो चाहे वो नामीबिया में रहे, अफ्रीका में रहे या इंडिया में रहे, उसके लिए वो कंडीशन यहाँ पर आपको ठीक रहेगी। और IUCN के अप्रूवल के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए परमिशन दे दी और उसके बाद फिर बड़े लेवल पे भारत में चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और अफ्रीका, नामीबिया इन कंट्रीज से बात की और अल्टीमेटली नामीबिया से भारत के अंदर चीतों को एशिया में लाया। एशिया के अंदर आपके एशिया में ही है ना, अफ्रीका से एशिया में लाया जा रहा है, एशिया के अंदर इंडिया में लाया जा रहा है और इंडिया के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के अंदर आपको लाया जा रहा है। तो क्यों ऐसा कि ये कूनो के अंदर ही सबसे पहले लाया जा रहा है? उसका कोई बहुत ज़्यादा खास वजह नहीं है। तीन साइट जो है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उन्होंने तीन साइट्स भारत में सर्च की है जहां पर चीताओं को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इन एरियाज में पहले चीता हुआ करते थे। पहला एरिया है कूनो पालपुर, जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आपको लोकेटेड है, उसी के साथ में मध्य प्रदेश की ही सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पर भी उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही राजस्थान के अंदर जैसलमेर के पास में शाहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर चीतों का रिहैबिटेशन इनका रीइंट्रोड्यूस आपको किया जाता है। तो तीन जगह ऐसी है जहां पर चीतों को फिर से लाया जा सकता है। अब कूनो ही क्यों, कूनो को सेलेक्ट करने के पीछे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब कूनो को सेलेक्ट किया गया तो कूनो जो नेशनल पार्क है या पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, इस एरिया के अंदर पहले भारत के अंदर जो गिर के जो लायंस हैं उन लायंस को रीइंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात की, इनको रिहैबिटेट करने की बात थी, क्योंकि अगर गिर के जंगलों में अगर लायन खत्म हो गया तो फिर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। तो इसलिए उस समय पे मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की कि जो लायंस हैं उनको मध्य प्रदेश के अंदर कूनो पालपुर में ला के इस्टेब्लिश किया जाए, इनको रिहैबिटेट किया जाए और उनका ब्रीडिंग करवाया जाए। लेकिन उस समय के वहाँ के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। एंड आफ्टर दैट कोशिश लगातार आपको चलती रही और जब ये उस IUCN और तमाम जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने जब इसके लिए अप्रूवल दे दिया मध्य प्रदेश सरकार को, तो नरेंद्र मोदी ने एक बहाना बनाया कि कूनो जो है उसका एरिया छोटा है, मध्य प्रदेश सरकार ने एरिया भी बढ़ा दिया। उसके बाद मोदी जी ने बहाना बनाया कि नहीं नहीं ये जो है, उसके बाद मोदी जी जा चुके थे खैर, उसके बाद 2018 में उन्होंने बहाना बनाया कि ये नेशनल पार्क नहीं है, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार ने उसको नेशनल पार्क भी यहाँ पे बनाया, लेकिन अल्टीमेटली गुजरात सरकार ने उसको मध्य प्रदेश में भेजने से मना कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण था कि कूनो जो है वो एक बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक बड़ा नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पर आपको कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दूसरा जो कारण है, वो दूसरा कारण यहाँ पर ये है कि जो काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वाला रीजन है, काठियावाड़ का जो सूक्ष्म आपका जो ड्राई डेसिडियस या बोल सकते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर लायंस और चीताज हैं, ये आराम से रह सकते हैं, तो इसलिए इस रीजन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया गया। उसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको रीजन है कि यहाँ पर बड़े लेवल पे चीतल मिलते हैं, तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो चीतल है वो आपको कूनो नेशनल पार्क में मिल जाएंगे और चीता का सबसे बड़ा शिकार होता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण
चीता को सबसे पहले कूनोपालपुर में लाया जा रहा है, नोरादेही में भी लाया जा सकता था, लेकिन नेशनल पार्क वाली जो स्टोरी या लायन की जो पूरी स्टोरी मैंने बताई उसके कारण कूनोपालपुर उसके लिए तुरंत यहाँ पर आपको रेडी था। और अल्टीमेटली 17th of September 2022 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चीतों को बाड़ों के अंदर यहाँ पर आपको छोड़ा बाड़ों के अंदर यहाँ पर आपको छोड़ा और उसके लिए एक विशेष विमान नामीबिया से इंडिया आया। उस विमान के ऊपर भी शानदार पेंटिंग की गई थी चीता की, और उनको भारत में सबसे पहले ग्वालियर लाया गया, और ग्वालियर से लाने के बाद इनको कूनोपालपुर नेशनल पार्क में लाया गया, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने बाड़े को खोल के भारत के अंदर इनको रीइंट्रोड्यूस किया, भारत के अंदर इनका रिहैबिलिटेशन स्टार्ट किया। तो कितने चीता आ रहे हैं? टोटल 8 चीता भारत में आ रहे हैं, जिसमें 3 मेल चीता हैं, 5 फीमेल चीता हैं। 5 फीमेल चीता का रीजन जो है उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करना है, और 5 चीता में से 2 चीता जो है उनकी उम्र काफी ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा है, बाकी 3 चीता तीन जो फीमेल चीता है वो काफी छोटी है, मेल चीता जो है वो थोड़े से यहाँ पर आपको बड़े हैं। तो इस तरीके से 1952 के बाद 2022 में, मतलब 70 साल बाद चीता भारत आपको आ रहे हैं। सबसे पहले उनको नामीबिया के अंदर होसेस कैटो नेशनल, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वहां से पहले उनको ग्वालियर लाया गया। पहले इनको जयपुर ले जाना था, लेकिन फिर जयपुर में कैंसिल करके इनको ग्वालियर लाया गया, और ग्वालियर से फिर उनको हेलीकॉप्टर में बैठा के इनको कूनो लाया गया, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको देश को एक तरीके से समर्पित किया। आई थिंक ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।